नारायणगढ़ पुलिस द्वारा SHO अरविंद कुमार की अगुवाई में शहर की गलियों में भी पुलिस पेट्रोलिंग पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है और घरों से बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए केस रजिस्टर करने शुरू कर दिए हैं। वहीं पुलिस द्वारा क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में से उल्लंघन करने पर 2 व्यक्तियों व सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले 1 व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके साथ ही नारायणगढ़ के मुख्य चौकों पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। पूरा किया जा रहा है, क्या कहना था आपका? सारी जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कई जगह से सूचना आ रही थी कि कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, तो वो हमने केस रजिस्टर्ड शुरू कर दिए हैं। तो अब जो भी हमारे को बाहर मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के चालान कर रहे हैं और नाकाबंदी चली रही है रूटीन में। बाकी जो भी शरारती और संदिग्ध या कोई तस्करी है शराब की रिगार्डिंग, उसके बारे में भी वो खबर लगाए हुए हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र है पूरी। अब तक तो जो क्वारंटाइन किए हुए थे उनमें से 2 के खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज किए और 150 के आसपास चलान हो गए हैं आगे। बाकी एक IT एक्ट का भी एक झूठी इंफॉर्मेशन डालना ग्रुप में, एक केस वो रजिस्टर्ड किया था। बाकी आगे जैसे जैसे वायलेशन होगा उसके हिसाब से कार्यवाही।